इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे। दो समीकरण दिया है तो विलोपन विधि से हल करने के लिए एक्स या y का गुणांकों को हम बराबर करते हैं। तो y का गुणांक यहाँ पर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर दो दिया है तो समीकरण एक में दो से गुणा करेंगे। यहाँ पर पाँच दिया है तो समीकरण दो में हम पाँच से गुणा करेंगे। हमने तीनों पदों में दो से गुणा कर दिया, इसको हमने समीकरण तीन मान लिया। अब इस पाँच से इन तीनों पदों में हमने गुणा कर दिया, इसको हमने समीकरण चार मान लिया। अब देखिए दोनों का गुणांक बराबर हो गया, y का चिन्ह दोनों का समान है। तो जब गुणांक बराबर रहेगा और चिन्ह समान रहेगा तो समीकरण को हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस कट जाएगा। 6x में से 45x घटाओगे तो माइनस 39x होगा बराबर। 8 में से 35 घटाओगे तो माइनस 27। उन 3 से कटाओगे तो ये 9 और ये आपका 13। तो x बराबर 13 से ले जाकर भाग दे देंगे तो 9/13 होगा। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर यह आपका 3, x के स्थान पे 9/13 रखेंगे माइनस 5y = 4, ये आपका 27/13 माइनस 5y = 4। माइनस 5y को इधर पक्षांतर करेंगे, 4 को इधर कर लेंगे, इसमें तिरिया गुणा करेंगे तो 52 आपका 13, ये आपका 5y। घटाओगे तो माइनस 25/13 = 5y, 5 से कटाएंगे तो y = -5/13। तो x और y का मान आप